आपका क्वेश्चन है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2A लाइज अलोंग द वाई एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, नाउ तो देखो इसने क्या कहा है। तो फर्स्ट वी विल मेक एक्स एंड वाई एक्सिस, तो हमारा देखो क्या आएगा, लाइक दिस। तो दिस इज योर एक्स एक्सिस एक्स डैश, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर वाई डैश। नाउ तो अब देखो ध्यान से इसने क्या कहा, इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फर्स्ट, दैट मीन्स ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। ठीक है, नाउ फिर देखो इसने क्या कहा यहां पर, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2A लाइज अलोंग द वाई एक्सिस दैट मीन्स बेस शुड बी लाइक दिस। ठीक है, फिर देखो क्या कहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, दैट मीन्स देखो साइड इज योर 2A, तो अगर ये मिड है और वाई एक्सिस पे लाई करना है, दैट इज 2A टोटल इज लेंथ, तो क्या होगा आपका, ए इज दिस साइड एंड वन मोर ए इज दिस साइड, दिस इज द ए एंड दिस इज ऑल्सो ए, तो दिस इज द बेस नाउ। ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है, तो दैट मींस आपका क्या होगा, देखो एक ट्रायंगल ये बेस है, एक ट्रायंगल तो आपका इस साइड में बनेगा लाइक दिस, बट एक ट्रायंगल आपका इस साइड भी बनेगा लाइक दिस। तो नाउ आप इसको अगर ए ले रहे हैं, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, तो अगर आपका लेफ्ट साइड में जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सी डैश, सी सी डैश। नाउ अब आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, तो वी नो दैट दिस इज जीरो फ्रॉम हियर टू ए इज योर व्हाट, ए ओनली स्मॉल ए है ना, टोटल इज 2A, तो दिस इज योर ए ओनली, तो वो इसका क्या हो गया कोऑर्डिनेट्स ए के, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, 0, A, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे, 0, -A। ठीक है, ना अब आप देखो कि वी नो दैट इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, तो दैट मीन्स आपका क्या है, देखो दिस इज योर ए, दिस इज योर ए एंड बट दिस साइड इज योर 2A और ये भी आपका 2A, तो वी विल टेक वन ट्रायंगल दिस ट्रायंगल, तो ये आपका देखो कैसे है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, इट फॉर्म्स 90 डिग्री है ना। तो अब आपका देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर दैट मीन्स 2A होल स्क्वायर, तो वी कैन से पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा आपका, 2A होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वी आर नॉट नोइंग है ना, तो इसको हम ले सकते हैं नाउ एट प्रेजेंट एक्स, तो एंड दिस इज योर ए, तो वी कैन से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये देखो आपका क्या हो गया, 4A² इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका, देखो वी कैन से 4A² - A² दैट इज योर 3A² दैट इज X², तो वॉट इज योर एक्स नाउ, वी कैन से एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 3A। ठीक है, तो एक्स इज दिस, तो दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर इट इज वॉट,
प्लस नॉट माइनस, माइनस विल कम व्हेन वी विल कम हियर। तो यहां के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, इट विल कम एज, सी के कोऑर्डिनेट विल कम एज ए रूट थ्री, वी विल राइट लाइक दिस ए रूट थ्री। तो ए रूट थ्री कॉमा एंड वाई इज जीरो नाउ हियर, तो जीरो, बट दिस साइड इज माइनस ए रूट थ्री कॉमा जीरो। तो आपके देखो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, दो ट्रायंगल है, तो फर्स्ट इज योर ए बी सी, तो वी विल राइट दैट ओनली। तो क्या है देखो ए बी सी में कोऑर्डिनेट्स आर जीरो कॉमा ए फर्स्ट, सेकेंड इज ए रूट थ्री कॉमा जीरो, एंड थर्ड इज जीरो कॉमा माइनस ए। और दूसरा वाला ट्रायंगल में देखो क्या है, और वी कैन राइट और, तो दूसरा वाला ट्रायंगल इज ए बी एंड सी डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है देखो जीरो कॉमा ए, एंड नेक्स्ट इज योर जीरो कॉमा माइनस ए, एंड सी डैश इज योर माइनस ए रूट थ्री कॉमा जीरो। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको निकालना है।